हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th ऑफ मई 2024 की एनालिसिस। इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि टेलीग्राम पे हमने पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। आज हम वहाँ कवर करेंगे सिक्योरिटी। तो इसीलिए अगर आपने मेंटी आईएएस के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने प्रीलिम्स के थीम्स आपको बताए हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन साल में आए हुए हैं। तो इससे आपकी एक पॉलिटी की रिवीजन सीरीज बन जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो पहला आपका है जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड एआई इन्फ्यूज वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से जो जनरेटिव एआई है उससे हमें साइबर थ्रेट्स देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग फिशिंग और प्राइवेसी डेटा ब्रीच को लेकर। और यहाँ पे बात हुई है ब्लेचली डिक्लेरेशन की, विच एक्चुअली साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स, जो हाईलाइट करती है कि किस तरह से हमें एथिकल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स बनाने हैं एआई रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये डिक्लेरेशन और ये किसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड इंटरपोल इशू अ ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट प्रज्वल। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्लू कॉर्नर नोटिस। इसी के साथ आपको रेड, येलो, ऑरेंज भी पता होने चाहिए कि ये किसके अगेंस्ट इशू होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन इंटरपोल का यही आया था कि ब्लू कॉर्नर नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इशू होता है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बट इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो इंटरपोल ने इशू करा है अगेंस्ट प्रज्वल हु इज एक्यूज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एज ही फ्लेड एलिगेशंस। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस किसके अगेंस्ट होता है? ये वाला होता है व्हेन वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्संस फॉर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। बट ये रेड कॉर्नर नोटिस से कैसे डिफरेंस है? क्योंकि जो रेड कॉर्नर है वो जो ऑलरेडी जिसपे लीगल एक्शन चल रहा होता है उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है। अब नेक्स्ट है करंट अफेयर्स कि ये जो पोएट है फ्रॉम आयरलैंड वाज टैगोर्स बिगेस्ट प्रमोटर इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। तो किसकी बात हो रही है? डब्ल्यू बी ईट्स की। 2021 में एक आउटरेज देखने को मिला इंडिया में ओवर द रेनोवेशन ऑफ अ मेमोरियल दैट वाज साइट ऑफ द ब्लडी इंसिडेंट इन 1900। यू ऑल नो इज द जलियांवाला बाग मैसेकर। और यहाँ पे बात हो रही है अमर्त्य सेन की, यू ऑल नो की इकोनॉमिस्ट है। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए यहाँ पे इनके थ्रू नाम दिया गया था बाय टैगोर, अमर्त्य सेन। ये प्लेस रिकॉग्नाइज हुई है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लास्ट ईयर, तो दैट इज यू शांति निकेतन। ये मैगजीन्स पब्लिश करा है सेवरल टैगोर पोएम्स इंक्लूडिंग अमर सोनर बांग्ला विच बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, दैट इज अ बंगार दर्शन। अब यहाँ से क्विक टेकअवेज हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस इंसिडेंट के बारे कौन सी कमेटी बैठी थी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि आप रीड करेंगे अपने स्पेक्ट्रम बुक से। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग दिस साइट एंड ऑल अदर साइट्स जो कि इस लिस्ट में आती है। नेक्स्ट आपका है अमर सुनार बांग्ला कि ये क्या चीज़ है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बंगा दर्शन के ऊपर कौन सी मैगजीन की भी बात हुई है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर कि चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज अ फुजियान कंप्लीट्स 8-day सी ट्रायल। तो जो चाइना का न्यू सुपर कैरियर है इसने अपना 8 दिन का जो टेस्ट एरिया है वो कवर कर लिया है, एंड नाउ वी कैन से कि चाइना हैज नाउ जॉइन द US एज द ओनली कंट्री इस टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी जो इंडिया और बाय अदर कंट्रीज है वो भी चाइना के जो ग्रोइंग नेवल स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ज़्यादा वी आर कीपिंग एन आई, वी कैन से, एंड नाउ चाइना इज इवन बिल्डिंग अ 4th कैरियर विच विल एक्चुअली रन ऑन न्यूक्लियर पावर। सो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है व्हाट इज इट, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद दिस, और साथ ही में आपको यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी तरह ही पूछा जाएगा, चाइना के अलावा आपको किसी और कंट्री का नाम दे दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल से आपका ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे PYQs। अगर आपको याद होगा हम पिछले 2-3 सीरीज से हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये इसी तरह UPSC क्वेश्चंस को रिपीट करता है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, it wanted to establish the dictatorship of the proletariat, it advocated separate electorate for minorities and oppressed classes,
क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है डी, नन। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हमें यहाँ इंफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो 1934 में फॉर्म हुई थी एज अ पार्टी विद इन कांग्रेस ओनली, एंड ये फेवर में थी जो सोशलिस्ट आइडियाज होते हैं विद इन द कांग्रेस, और साथ ही में इट एक्चुअली बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और साथ ही में जहाँ पे लिखा है कि इट फेवर्ड, इट एक्चुअली डिड नॉट फेवर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है और आपका आंसर है डी, नन। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुन और द ग्रेट टुमुल्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो आपकी डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से उठाया गया है, एंड यू नो द आंसर ऑल्सो, इट्स डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये गलत नहीं होने चाहिए, तो इसलिए स्पेक्ट्रम इज द ओनली बुक विच यू हैव टू कवर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इवन एनसीईआरटी जो है 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें भी आपकी ये टर्म मेंशन है। सो बी वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में तो आई एम सॉरी टू से, बट थोड़े चांसेस आपके आपके कम हो जाते हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थीम्स एज आई टोल्ड यू। तो ये मैंने पॉलिटी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन की एनालिसिस निकाली है चैप्टर वाइज के कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन चैप्टर्स पे प्लीज आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें। साइलेंट फीचर से 3, जुडिशरी से 13, पार्लियामेंट से 28, यूनाइटेड गवर्नमेंट से 8, स्टेट गवर्नमेंट से 7, एमरजेंसी प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट 11, प्रीएम्बल तो एवरी ईयर इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, एंड डीपीएसपी ये तो हर साल आप देखोगे कि एक आधा क्वेश्चन पूछा ही गया है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर अभी तक आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं याद हुई है प्लीज जाइए और लक्ष्मीकांत में वापिस से इसको रिवाइज करें। फिर फंडामेंटल राइट्स से 10 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी पे। घुमा फिरा के इस पे एक दो क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं, एक बार डायरेक्टली आर्टिकल का नाम पूछा था, एक बार कौन सी फिलोसफी इसके साथ एसोसिएटेड है, और अलग अलग इक्वालिटी की डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सिट्स इसको कवर करने के लिए भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूट्यूब पे जल्दी ही। एक यहाँ पे 8-4 शीट का आई हैव दिस मेड की चार्ट जहाँ पे आपकी सारी एक ही पेज पे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको रिवाइज हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से आपका इतना टाइम सेव हो जाएगा कि जो 6-8 चैप्टर्स है वो आपका वन गो में एक ही शीट से हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है अमेंडमेंट से 1, इलेक्शन से 1, लोकल गवर्नमेंट से भी आपके 9 क्वेश्चन, सो पंचायत से पूछा जा चुका है, क्रोनोलॉजिकल पूछा जा सकता है कि किस तरह से कौन कौन सी कमेटी पहले बैठी, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशन से 2 और शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से 2, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता ही है कि ये जब ऑप्शंस आते हैं तो ये इतना इजी होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कि बाय लाइक देखे बिना यू कैन से कि इट्स अ शेड्यूल्ड एरिया क्वेश्चन, कि ट्राइबल एरिया से ही पूछा गया है। तो ये थी आज की एनालिसिस, आई होप इससे आपको बहुत ही यूजफुल हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसे फैक्ट्स के लिए मेंटी को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।